नमस्कार किसान साथियों साथियों, सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती से उत्पादन होगा भरपूर। किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन की खेती करने जा रहे हैं तो इस वैज्ञानिक खेती से करें सोयाबीन की बुआई और कमाएं भरपूर मुनाफा। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। तो साथियों, सोयाबीन के लिए उचित जल निकास वाली मध्यम से भारी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, उपयुक्त मानी गई है। अब साथियों बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। तो साथियों, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किस्में जैसे NRC 2, NRC 12, NRC 7, NRC 37, इसके अलावा JS 93.05, JS 95.60, JS 335, इसके अलावा JS 80-81, इसके अलावा JS 20-34 का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, KDS 726 का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुआई के समय की। तो साथियों, खरीफ में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप सोयाबीन की बुआई कर देवें। अब बात कर लेते हैं साथियों बीज दर की। तो साथियों, अगर आपका सोयाबीन का दाना छोटा है तो आप 60 से 65 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेवें। अगर आपका सोयाबीन का दाना मध्यम आकार का है तो आप 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेवें। अगर सोयाबीन का दाना बड़ा है तो आप 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए काम में लेवें। अब साथियों बात कर लेते हैं बीज और बीज उपचार की। तो साथियों, जब भी आप बुआई करें तो बुआई से पूर्व आप बीजों को उपचारित जरूर करें। इसके अलावा साथियों, आप ट्राइगोडर्मा 4 किलोग्राम बीज को किधर से उपचारित करें, इसके अलावा राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। अगर आपकी खेतों में दीमक का प्रकोप होता है तो आप क्लोरीपाइरीफॉस से भी सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। बात कर लेते हैं बुआई की विधि की। तो साथियों, बुआई के लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 3 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो साथियों, सोयाबीन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप 5 से 10 टन के आसपास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का अपने खेतों में उपयोग जरूर करें। इसके अलावा 150 से 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर आप बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पहले खेतों में अच्छी तरह से मिला लेवे। बुआई के समय 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर उपयोग में लेवें। इस प्रकार साथियों, अगर आप वैज्ञानिक खेती करते हैं तो आप सोयाबीन से लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, अगर आपको सोयाबीन की खेती के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।